हे गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो ऑफ कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि MSMC अगले सीजन के लिए क्रेजी हो जाने वाली है। मैं ऐसा किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आगे का अगर तुम गेम प्ले देखोगे तो तुम कहोगे यार ये कतई जहर है। ये 3x स्कोप की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब अगले सीजन में पता नहीं ऐसा क्या है कि यार इसका जो हिप फायर है वो बहुत 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 अच्छा किया जाने वाला है, जो कि बहुत ही औसम चीज़ है। क्योंकि आज मैंने इस 3x स्कोप को लगाया और उसके साथ खेला, बहुत ही अमेजिंग मज़ा आ रहा था। लेकिन कुछ देर बाद सडनली मैंने हिप फायर पर स्विच किया, सोचा हिप फायर पर थोड़ा खेलूँ, तो मुझे ये नहीं पता कि यार लेजर साइट की वजह से ये मेरा सब कुछ हो रहा था, मैं एक्यूरेटली बैठा पा रहा था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है बुलेट स्प्रेड इसका जो जितना वाइड था वो कम कर दिया गया है, कुछ मुझे ऐसा लगता है। तुम लोग भी साथ में मेरे गेम प्ले देखो और तुम लोग भी अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ कि यार तुम्हें क्या ऐसा लगता है। मुझे तो भाई जरूर से लगा कि यार नहीं, यहाँ पे इसकी हिप फायर की एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी कर दी गई है और मुझे भी तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया वैसे। लेकिन जब भी वो जो भी बात कहो, ये एकदम बवासीर गन लग रही थी, क्योंकि इसको चलाता कहीं और था, जाता कहीं और था। चलो कोई नहीं, वैसे अगर वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दो, और बेल नोटिफिकेशन तो ऑन ही कर लो, क्योंकि इतनी सारी वीडियोस मैं डेली लेके आ रहा हूँ यार, और दिन भर मैं जुटा रहता हूँ इतनी सारी वीडियोस में, क्योंकि बीटा वर्जन अभी आया है और गनस्मिथ की इतनी सारी वीडियोस आ रही हैं तो तुम्हारे लिए लाता रहता हूँ। वैसे ये गन काफ़ी अच्छी है और इसका डैमेज वैसे मैंने चेक नहीं किया, लेकिन लॉन्ग रेंज में काफ़ी अच्छा ये कमाल दिखा रही थी, और मुझे इस चैट से एक बार देखना चाहिए था, मुझे वीडियो में रखना चाहिए था, लेकिन अभी इतनी समय रिकॉर्डिंग के समय, चलो मैं क्योंकि अभी तो गनस्मिथ चला नहीं गया, अभी तो आने वाला है, तो किसी भी और वीडियो में मैं इन सब का कंपैरिजन कर दूंगा बीटा वर्जन से। वैसे यहाँ पे मतलब ये बहुत ही पावरफुल MSMC गन बन गई है, ऐसा लग रहा है कि ये सीजन 1-2 में जैसी ये गन थी, कि मतलब इससे अच्छी गन कोई नहीं थी, इसके सामने आते ही सब धुआंधार, मतलब सब सफा चट हो जाता था, तो ऐसा होने वाला है। वेल, अगर हम बात करें सीजन 1 की, तो वहाँ पे इसका हिप फायर इतना अच्छा नहीं था, वैसे हाँ ठीक ठाक था, आप काम कर ले जाते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी लॉन्ग रेंज से भी, मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा दूरी भी रहने से हम लोग काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी यहाँ पे मेंटेन कर पाते हैं, और मुझे ये गन काफ़ी अच्छी पसंद आई। बस इसका रिकॉइल थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसलिए जो हमारा हैवी स्कोप लाइक 4x 3x या जितने भी बड़े स्कोप होते हैं उनमें यूज़ करने में थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन प्रैक्टिस में का मैन परफेक्ट तुमने सुना होगा, तो ये करने से काफ़ी ज़्यादा काम बन जाता है। तो अगर हम लोग अच्छी सी सेंसिटिविटी रखें, क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोग सेंसिटिविटी क्या, मैं एक लाइक 50 सेंसिटिविटी कर लेता हूँ 3x स्कोप की और वहाँ पर यूज करता हूँ, लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग खेलेंगे सारे स्कोप की सेंसिटिविटी चेक की जाएगी, तब पता चलेगा कि एक बेहतर सेंसिटिविटी क्या होगी इस गन के लिए, तो तभी तो पता चलेगा। वेल, ये गन तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, और तुम लोग वीडियो तो देख रहे हो तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि यार तुम लोगों को ये गन कैसी लगी। एंड नेक्स्ट पार्ट में अब यहाँ पे तुम्हें हिप फायर देखने को मिलेगा इस गन का, जो कि बहुत 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 अच्छा है। वेल, जो भी कहो, अगर मैं बात करूँ स्कोप की, तो यार बड़े स्कोप इस ऐसी गन रिक्वायर्ड गन के लिए अच्छे नहीं हैं। वैसे भी ये कोई बैटल रॉयल नहीं है कि यहाँ पे देखा तुमने कितनी अच्छी एक्यूरेसी यहाँ पे पकड़ती है। तुम अब एक्यूरेसी वाला पार्ट देखो, यहाँ पे मैंने जब मुझे एक्यूरेसी दिखी तो मैं दूर दूर से भी निशाने लगाने लगा, और तुम लोग देख सकते हो कितनी स्पीड से गन किल कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है एक्यूरेसी इसकी बढ़ा दी गई है और हिप फायर मतलब काफ़ी अच्छा कर दिया गया, तो मुझे ऐसा लगता है एक बार मुझे ट्रेनिंग रूम में जाना चाहिए और इसकी एक्यूरेसी देखनी चाहिए। बहुत ही मतलब क्रैक गन हो गई है, क्योंकि हिप फायर भी अगर काफ़ी अच्छा हो जाए किसी गन का तो हम लोगों को काफ़ी मदद मिल जाती है क्लोज रेंज की फाइट जीतने में, क्योंकि जब भी तुमको पता होगा कि हम लोग क्लोज रेंज में अगर स्कोपिंग कर देते तो बंदा सामने से गायब हो जाता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे देता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ, इसकी हिप फायर जो यहाँ पर दिख रही है अगर ऐसा हुआ, तो यार धमाल मचने वाला कॉल ऑफ ड्यूटी में एक मतलब बहुत ही अच्छा चीज़ हो जाएगा हिप फायर के लिए, क्योंकि हिप फायर मल्टीप्लेयर में बहुत ही मतलब जिनका अच्छा निशाना लगता है, जिनका बहुत ही अच्छा हिप फायर होता है वो यूज़ करते हैं, हम लोग तो यूज़ ही नहीं करते। आई होप तुमको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, अगर पसंद आ रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो कर ही दो।
come.